हेलो भैया थोड़ा सा अरुण भाई के आज प्रचार सभा में मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं इससे पहले जब आया था तो अरुण भाऊ की माताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था और उनके आशीर्वाद के साथ बहुत सारी मेरी माताओं का आशीर्वाद मेरे साथ था, इस वजह से मैं जीत पाया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज अरुण भाऊ के साथ भी पूरा समाज खड़ा है, अरुण भाऊ के साथ भी उनकी माता के आशीर्वाद है, बहुत सारी माताओं का बहनों का आशीर्वाद उन्हें मिला है। मेरे लिए, हमारी पार्टी के लिए, वैसे तो हम 44 सीटें इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन कुछ सीटें जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हम दिल से चाहते हैं कि ये सीट हमने जीतना चाहिए, उसमें एक सीट हमारे भाऊ की सीट है। मैं अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष असद अवैसी साहब के साथ था और मैंने उनको बताया कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए, आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद गए, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं अरुण भाऊ के लिए मैं उस्मानपुरे की मस्जिद में जाकर पढ़ता हूँ। तो उन्होंने फौरन मुझसे कहा कि जाओ जाओ भाऊ के लिए करके आओ कुछ तो भी करके। मैं जितना अरुण भाऊ को पसंद करता हूँ उतना ही मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर सिर्फ ये विनती करने के लिए आया हूँ। आज 18 तारीख है, कल 19:05 बजे हमारा प्रचार खत्म हो जाएगा। हमारे पास महज 19, 20, 20 तारीख तक के ऐसे 3-3.5 दिन बचे हुए हैं। मैं आप लोगों से ये विनती करने के लिए आया हूँ कि आपके 5 साल कैसे हो गए, आपका अपना एक बेटा अगर आप दिल से चाहते हैं कि वो विधानसभा तक पहुंचना चाहिए तो 3 दिन आपको दिन और रात करके मेहनत करनी पड़ेगी। हमने अरुण भाऊ ही जैसे हमने मुंबई के धारावी से हमारे एक दलित समाज के नेता मनोज संसारे साहब को हमने टिकट दिया है, कुछ उसी तरह एडवोकेट डावरे जो कुरला, इसीलिए हमने उनको टिकट दिया है। और टिकट देकर सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको टिकट देकर उन्हें छोड़ दिया है, जितनी कोशिश हम नासिर सिद्दीकी के लिए कर रहे हैं उतनी ही कोशिश हम अरुण बोर्डे के लिए कर रहे हैं। आज अरुण बोर्डे की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिल्क मिल कॉलोनी में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का चुनावी प्रचार का वहां पे सभा रखी गई है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि भले ही कल 5 बजे ये हम इस तरह की रैलीज नहीं निकाल सकेंगे 5 तारीख के बाद, लेकिन अगर यहाँ पर मौजूद एक एक महिला ने, हेलो, एक एक महिला ने अगर ये जिम्मेदारी उठाई कि मैं 5 बजे के बाद 5-5 घर जाऊंगी और 5-5 घर में जाकर लोगों को कन्विंस करूंगी कि तुम्हें वोट देना है तो सिर्फ पतंग को वोट देना है, तो मेरे हिसाब से हम बहुत सारा इलाका हम कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ के नौजवानों से अपील करना चाहूंगा, अरुण बोर्डे और अरुण बोर्डे के समर्थकों को ये अपील करना चाहूंगा कि अगर इलेक्शन आप जोश से लड़ेंगे तो आप जीतेंगे नहीं, इलेक्शन आपको होश से लड़ना होगा। और होश का मतलब ये है कि चुनाव के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है कि जहां पर हम हमारा हमारे पूरे जोश में आकर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जहां पर
एरिया के अंदर कुछ माहौल खराब होता है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 21 तारीख के दिन शाम में 6 बजे तक जब तक इलेक्शन रहेगा तब तक किसी तरह का कोई भी ऐसी घटना नहीं होने पाए कि जिसकी वजह से हमारे घर की हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, जो वोट निकल कर बाहर देना चाह रही है लेकिन पता चला कि किसी इलाके के अंदर माहौल थोड़ा खराब हो गया तो इस वजह से बच्चियां बाहर नहीं निकल पा रही है। इसीलिए शाम 6 बजे तक जो कुछ भी होगा पूरी तरह से बर्दाश्त करना, 6 के बाद मैं संभालूंगा माहौल। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि एक एक घर का एक एक वोट बाहर निकलना चाहिए। अरुण बोर्डे के जितने परिवार वाले हैं वो सुबह सबसे पहले 7 बजे वो वोट डालेंगे और वोट डालने के बाद वो ये ख्याल करेंगे कि आपके घर का वोट तो पड़ गया, अब मेरे पड़ोसी ने डाला क्या नहीं, और वो पड़ोसी का होने के बाद दूसरे पड़ोसी ने डाला क्या नहीं, ये जिम्मेदारी। और जैसा हम लोग अरुण के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मध्य में रहते हैं, उनको यहाँ पर भेजने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इसीलिए आपका अगर कोई नाते भाई, कोई रिश्तेदार मध्य के अंदर रहता है या पूर्व के अंदर रहता है तो आपको यही कहना होगा, जहां पतंग दिखे वहां मोहर लगानी है, वहां पर वोट करना है। बस आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि मैं जब आमदारकी के लिए खड़ा हुआ था बहुत सारे लोग कहते थे कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा पूरा दलित समाज मेरे साथ खड़ा था, इस वजह से आज ये मुझे जीत नसीब हुई। आज मैं अगर खासदार बना हूं तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूरे आदर पूर्वक के ये कहता हूं कि मैं ये जीत मेरी नसीब ही नहीं होती अगर मैं सिर्फ मुसलमानों के वोटों के ऊपर अगर जिंदा रहता। मेरे साथ पूरा दलित समाज पूरी ताकत के साथ खड़ा था, इस वजह से आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक खासदार अगर चुनकर आया तो आप लोगों की वजह से चुनकर आया हमें, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बस अरुण बोर्डे को अगले 2 दिन तक समझ में नहीं आएगा वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आप लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी होगी और तमाम जितने भी लोग उसके साथ चल रहे हैं उन सबको अगले 3 दिनों तक अपना नाम बदलना है। अगर कोई कहेगा कि तुम्हारा नाम क्या है तो कहना कि मैं अरुण बोर्डे हूं और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तब जाकर हम ये इलेक्शन जीत पाएंगे। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि 24 तारीख के दिन आप लोग बड़े गर्व से कहेंगे कि इम्तियाज भाई हमारा सिर्फ खासदार नहीं है, हमने अपना एक आमदार भी चुना कर यहां से भेजा है और वो अरुण बोर्डे की शक्ल में आप हमें चुना कर देंगे।